Preview. दोस्तों हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम व्हाट्सएप के चार ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सेटिंग ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो हमें पता नहीं है, जो कि इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपके। सबसे पहले आपने अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप में अभी यहाँ पर हमने चार इंपॉर्टेंट सीक्रेट ट्रिक्स एंड टिप्स है जो हम लोगों ने करना है। सबसे पहले सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी हम वो सेटिंग करेंगे जो लोग डरते हैं कि यार हमारा व्हाट्सएप हैक ना हो जाए, या हमारा व्हाट्सएप हैक हो रहा है, या आपने कोई ऐसा तरीका बताया जिसकी वजह से हम स्क्वायर हों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपने व्हाट्सएप को हैकिंग से बचा सकते हो, कि आपका व्हाट्सएप कोई हैक ना कर पाए। ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी सेटिंग है जो हमने अपने व्हाट्सएप में कर लेनी है। तो सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट में क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है टू स्टेप वेरीफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने व्हाट्सएप का टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग ऑन करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होगा जब तक हम अपने व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन, जब भी हम व्हाट्सएप ओपन करेंगे, जब भी अगर कोई हमारा व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश भी करेगा, जब तक ये हमारा सीक्रेट कोड उसमें नहीं डालेगा तब तक किसी का बाप भी हमारा व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकता। इसको हम लोगों ने ओपन ऑन कर देना है। इसको टर्न ऑन लिखा हुआ है, इस पर हमने क्लिक करना है करेगा। बाकी सारी सेटिंग वगैरह अगर वो कर भी ले, जब तक ये 600 का कोड नहीं डालेगा तो आप हमारा व्हाट्सएप हैक नहीं कर पाएगा। ये नंबर वन सेटिंग हो गया। अभी सेटिंग नंबर टू की तरफ जाते हैं। सबसे फिर बैक आना है अपने। बैक आने के बाद फिर यहाँ पे देखो वही कोड हमसे मांगा जा रहा है जो अभी हमने वहाँ दिया था। ये हमने दे देना, इसको एक ही बार देना पड़ता है, बार बार ये नहीं आएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर आपने क्लिक करना है। हमने दूसरा सेटिंग कौन सा करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पे यहाँ पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे अभी हम लोग वो सेटिंग करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि यार हमारे व्हाट्सएप पे हम चैट्स वगैरह करते हैं, चैटिंग वगैरह करते हैं, किसी की प्राइवेट होती है कि यार हम चैट करते हैं, हमारी ये चैट हमारे अलावा कोई और बंदा ना देख पाए। बाज़ अवकात यार दोस्त होते हैं, बोलते हैं यार मोबाइल दिखाना, उनको बंदा मना भी नहीं कर पाता, और यहाँ पे हमारी प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं, तो इसकी सिक्योरिटी हम कैसे करेंगे, वो हम इस तरीके से करेंगे। इस सेटिंग प्राइवेसी में आने के बाद यहाँ पे लिखा है डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर। इस टाइमर पर क्लिक करना है और इस टाइमर को आप लोगों ने सेट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 24 घंटे में जिस से भी बात करूं वो ऑटोमेटिकली मुझे डिलीट करना ना पड़े, बल्कि ख़ुद ही डिलीट हो जाए, ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो, चैट्स हो या ग्रुप्स हो, जो भी हो, इसको ये टाइमर आपने लगा देना है। जैसे कि 24 घंटे की आपका चाहते हो कि 24 घंटे की मेरी बातचीत, जितने भी मैंने चैट्स वगैरह की हैं, ग्रुप्स में मैसेज किए हैं, वो 24 घंटे में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। 24 आवर पर लगाना है। अगर 7 दिन की आप डिलीट करना चाहते हो 7 दिन पर लगाना है। अगर 90 दिन का आप डिलीट करना चाहते हो तो इस 90 दिन वाले पर लगा के ओके कर देना है। ठीक है, ये हो गया सेटिंग नंबर 2। अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 3 की तरफ। सेटिंग नंबर 3 हमारी वो है कि यार बाज़ अवकात हमारे पास ग्रुप्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, जो उसमें कुछ काम के ग्रुप्स भी होते हैं, जिसमें कुछ काम के ग्रुप्स भी होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि बिज़नेस ग्रुप हो गया, अर्निंग वाले ग्रुप हो गए। ठीक है, तो उससे ये होता है कि हम लोग कोई भी वीडियो आ जाती है उसमें, या फिर कोई पिक्चर आ जाती है, हम वो देखने के बजाय जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वो फ़ौरन ही हमारी गैलरी में सेफ हो जाती है। ऐसा कोई सेटिंग जिसकी वजह से हमारी गैलरी में सेफ भी ना हो और हम वो चीज़ भी वहीं पे देख लें, अगर वीडियो तो वीडियो भी हम देख लें, अगर तस्वीर हो ये तस्वीर भी हम चेक कर लें, डाउनलोड भी कर लें, लेकिन हमारी गैलरी में सेफ ना हो। जब हम चाहेंगे, हमें पसंद आएगी, हम खुद डाउनलोड कर पाएंगे, वरना वैसे विदाउट परमिशन के हमारा मोबाइल हमारे व्हाट्सएप से कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करेगा। वो सेटिंग कौन सी है, वो सेटिंग ये वाली है। बैक आ जाना है। बैक आने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक के बाद करने के बाद सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे चैट्स पे क्लिक करना है। चैट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया विजिबिलिटी। मीडिया विजिबिलिटी यही हमारा इंपॉर्टेंट सेटिंग है।
इस पर हमने ये इस तरह का इस तरह ओपन होगा, जैसे अभी ओपन है, जैसे अभी ऑन है, इसी तरह ये व्हाट्सएप में ऑन ही रहता है। जब आप इसको ऑफ़ कर दोगे इस तरह आप भी हमने इसको कर दिया ऑफ़, ठीक है, हमने ऑफ़ कर दिया। अभी जो भी हमें मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा या ग्रुप्स में कोई भी वीडियो आएगी, हम उसको डाउनलोड भी कर लेंगे, लेकिन हमारी गैलरी में वो सेव नहीं होगा क्योंकि हमने उसकी परमिशन नहीं दी। हमने यहाँ से उसकी परमिशन ऑफ़ कर दी है, ठीक है। जब तक हम इसको परमिशन नहीं देंगे ये हमारे पास डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। ये हो गए नंबर 3। तो ये थी आज की ख़ास और आम ख़ास और ज़बरदस्त सेटिंग्स वगैरह जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। अभी चौथे नंबर पे यहाँ पे एक सेटिंग है जहाँ यहाँ लिखा है स्टोरेज डेटा, इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी हमें 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल ऑटोमेटिकली कुछ भी डाउनलोड करता रहता है, ग्रुप्स में वीडियोज़ आते हैं या यार दोस्त वीडियो तस्वीरें वगैरह कुछ भी भेजते हैं तो हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिकली जो है ना वो डाउनलोड हो रहे होते हैं, जिसके वजह ये है कि हमारे पास ये 3 ऑप्शन जो है ये वाले 1, 2, 3 ये 3 ऑप्शन हमारे अवेलेबल होते हैं, यानी कि एनेबल होते हैं, ठीक है। इस पर हमने क्लिक कर देना इन सब पे, जैसे कि इस पर फोटोज़ लिखा हुआ है, इस पर टिक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो भेजेगा तो हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक ही उसको डाउनलोड करेगा। अब हम नहीं चाहते कि हमारा मोबाइल डाउनलोड करे, हमने इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने ओके कर देना, ठीक है, ओके कर दिया। उसके बाद ये तीसरे नंबर पर कि अब अगर आप वाईफाई चलाते हो, घर का मोबाइल या डिवाइस वगैरह आपने रखी है, उससे अपने मोबाइल आपने कनेक्ट किया है तो वो भी यहाँ पे सिस्टम है, अगर डिवाइस से भी कनेक्ट है तब भी आपका मोबाइल डाउनलोड करेगा। इसको भी आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है, जस्ट मैं करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, फोटोज़, ये सब चीज़ आपका मोबाइल डाउनलोड करेगा क्योंकि ये ऑटो पे लगा हुआ है, इसको सबको हमने ऑफ़ कर देना है। हटा देता हूँ इसको भी, वीडियोस को भी, डॉक्यूमेंट्स को भी, इन सब को ब्लू टिक मार्क हटाने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना, ओके कर देना। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे विंग रेनिंग, इस पर ये चारों भी आप लोगों ने बिल्कुल ऑफ़ कर देने, यहाँ ऑलरेडी ऑफ है, इस पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। ये थी, और ये पांचवी जो सेटिंग है ये फोटो, ये बड़ी अहम सेटिंग है। बाज़ औक़ात हम किसी दोस्त को यार दोस्त को तस्वीर वगैरह भेजते हैं लेकिन वो तस्वीर अच्छी क्वालिटी में नहीं जाती, क्योंकि जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर भेजते हैं या कोई ऐसी फ़ाइल वगैरह हो गई जिसकी तस्वीर हम उसको भेज तो देते हैं लेकिन वो जब जूम करके देखते हैं उसमें बारीक बारीक चीज़ें देखते हैं कि सब कुछ साफ़ आया या नहीं, लेकिन उसकी वजह से फिर वो तस्वीर उसके पास साफ़ नहीं जाती, पिक्सल पड़ जाते हैं। उसका वजह क्या है? वजह ये फ़ोटो अपलोड जो लिखा हुआ है इस पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑटो पे लगा हुआ होगा, यहाँ से आपने हटाना है, बेस्ट क्वालिटी पे आपने लगा देना है। बेस्ट क्वालिटी पे लगाने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा, आप कोई भी फाइल, कोई भी तस्वीर किसी को भी भेजोगे, अगर वो जूम करके, नज़दीक करके, दूर करके, बारीक करके जैसे भी देखेगा तो वो तस्वीर उसको बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी। इस पर बेस्ट क्वालिटी पे हम क्लिक कर देते हैं, इस पर इस तरह क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये थी अब तक की हमारी 5 अहम इम्पोर्टेंट सीक्रेट ट्रिक्स एंड टिप्स व्हाट्सएप के हवाले से, और मिलता रहूँगा इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज़।